राष्ट्रपति महोदय, आदेश हो तो निर्वाचन आयोग से प्राप्त निर्वाचित राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रमाणन पढ़ा जाए। यतः भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा भारत के राष्ट्रपति के पद के निर्वाचन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण भारत निर्वाचन आयोग में निहित है, और यतः श्री रामनाथ कोविंद की पदावधि का अवसान वर्ष 2022 के जुलाई मास के 24वें दिन तदनुसार शक संवत के वर्ष 1944 के श्रावण मास के दूसरे दिन होने के लिए नियत है, और यतः भारत के राष्ट्रपति के पद को भरने के लिए संविधान तथा राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम 1952 के उपबंधों और तदधीन बनाए गए नियमों और आदेशों के अनुसार निर्वाचन करा लिया गया है तथा परिणाम घोषित कर दिया गया है। अब इसलिए भारत निर्वाचन आयोग एतद् द्वारा प्रमाणित करता है कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू वर्ष 2022 के जुलाई मास के 21वें दिन तदनुसार शक संवत के वर्ष 1944 के आषाढ़ मास के 30वें दिन भारत के राष्ट्रपति पद के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गई हैं। भारत गणराज्य के 73वें वर्ष में हमारे हस्ताक्षर और भारत निर्वाचन आयोग की मोहर से वर्ष 2022 के जुलाई मास के इस 21वें दिन तदनुसार शक संवत के वर्ष 1944 के आषाढ़ मास के 30वें दिन प्रदत्त किया गया। मैं द्रौपदी मुर्मू ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूँगी तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगी। और मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगी
राष्ट्रपति महोदया, आपका आदेश हो तो आपके पद ग्रहण की उद्घोषणा की जाए और उसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए। इसकी सूचना प्रमुख सेना केंद्रों तथा विदेश स्थित सभी भारतीय मिशनों, राज्य सरकारों तथा संघ शासित प्रदेशों क्षेत्रों के प्रशासकों को भेजी जाए। भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को भी सूचना तथा आवश्यक आदेश जारी करने हेतु भेजा जाए। श्री रामनाथ कोविंद जी, उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू जी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, लोकसभा के स्पीकर श्री ओम बिरला जी, चीफ जस्टिस एन बी रमन्ना जी, सम्मानित सांसदगण, अन्य महानुभवों, देवियों और स्वजनों तथा मेरे प्यारे देशवासियों, सभी को जोहार। भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर निर्वाचित करने के लिए मैं सभी सांसदों और सभी विधानसभा सदस्यों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आपका मत देश के करोड़ों नागरिकों के विश्वास की अभिव्यक्ति है। मैं भारत के समस्त नागरिकों की आशा आकांक्षा और अधिकारों की प्रतीक इस पवित्र संसद से सभी देशवासियों का पूरी विनम्रता से अभिनंदन करता हूं। आपकी आत्मीयता, आपका विश्वास और आपका सहयोग मेरे लिए इस नए दायित्व का निभाने में मेरी बहुत बड़ी ताकत रहेगी। मुझे राष्ट्रपति के रूप में देश ने एक ऐसे महत्वपूर्ण कालखंड में चुना है जो हम अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज से कुछ दिन बाद ही देश अपनी स्वाधीनता के 75 वर्ष पूरी करेगा। ये भी एक संयोग है कि जब देश अपनी आज़ादी के 50वें वर्ष का पर्व मना रहा था तभी मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई थी और आज आज़ादी के 75वें वर्ष में मुझे ये नया दायित्व मिला है। ऐसे ऐतिहासिक समय में जब भारत अगले 25 वर्षों के विजन को हासिल करने के लिए पूरी ऊर्जा से जुटा हुआ है, मुझे ये जिम्मेदारी मिलना मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैं देश की ऐसी पहली राष्ट्रपति भी हूँ जिसका जन्म आज़ाद भारत में हुआ है। हमारे स्वाधीनता सेनानियों ने आज़ाद हिंदुस्तान के हम नागरिकों से जो अपेक्षाएं की थी उनकी पूर्ति के लिए इस अमृतकाल में हमें तेज गति से काम करना होगा। इन 25 वर्षों में अमृतकाल की सिद्धि का रास्ता दो पटरी पर आगे बढ़ेगा, सबका प्रयास और सबका कर्तव्य। भारत के उज्जवल भविष्य के नई विकास यात्रा हमें सबके प्रयास से करनी है, कर्तव्य पथ पर चलते हुए करनी ही है। कल यानी 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस भी है। ये दिन भारत की सेनाओं के शौर्य और संयम दोनों का ही प्रतीक है। मैं आज देश की सेनाओं को तथा देश के समस्त नागरिकों को कारगिल विजय दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं देती हूँ। देवियों और सुजन, मैंने अपनी जीवन यात्रा पूर्वी भारत में ओडिशा के एक छोटे से आदिवासी गांव से शुरू की थी। मैं जिस
पृष्ठभूमि से आती हूँ, वहाँ मेरे लिए प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करना भी एक सपने जैसा ही था। लेकिन अनेक बाधाओं के बावजूद मेरा संकल्प दृढ़ रहा और मैं कॉलेज जाने वाली अपने गांव की पहली बेटी थी। मैं जनजातीय समाज से हूँ और वार्ड काउंसिलर से लेकर भारत की राष्ट्रपति बनने तक का अवसर मुझे मिला है। ये लोकतंत्र की जननी भारतवर्ष की महानता है। ये हमारे लोकतंत्र की ही शक्ति है कि उसमें एक गरीब घर के पैदा होने बेटी, दूर सुदूर आदिवासी क्षेत्र में पैदा हुई बेटी भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंच सकती है। राष्ट्रपति के पद पहुंचना मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, ये भारत की प्रत्येक गरीब की उपलब्धि है। मेरा निर्वाचन इस बात का सबूत है कि भारत में गरीब सपने भी देख सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है। और ये मेरे लिए बहुत संतोष की बात है कि जो सदियों से वंचित रहे, जो जीवन विकास के लाभ से दूर रहे, वे गरीब, दलित, पिछड़े तथा आदिवासी मुझे ये अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं। मेरे इस निर्वाचन में देश के गरीब व का आशीर्वाद शामिल है। देश की करोड़ों महिलाओं और बेटियों के सपनों और सामर्थ्य की झलक है। मेरे इस निर्वाचन में पुराने लीक से हटकर नए रास्ता पर चलने वाले भारत के आज के युवाओं का साहस भी शामिल है। ऐसे प्रगतिशील भारत का नेतृत्व करते हुए आज मैं खुद को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। मैं आज समस्त देशवासियों को, विशेषकर भारत के युवाओं को तथा भारत की महिलाओं को ये विश्वास दिलाती हूँ कि इस पद पर कार्य करते हुए मेरे लिए उनके हित सर्वोपरि होंगे। देवियों और स्वजनों, मेरे सामने भारत के राष्ट्रपति पद की ऐसी महान विरासत है जिसने विश्व में भारतीय लोकतंत्र की प्रतिष्ठा का निरंतर मजबूत किया है। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर श्री रामनाथ कोविंद जी तक अनेक विभूतियों ने इस पद को सुशोभित किया है। इस पद के साथ साथ देश ने इस महान परंपरा के प्रतिनिधित्व का दायित्व भी मुझे सौंपा है। संविधान के आलोक में मैं पूरी निष्ठा से अपने कर्तव्य का निर्वहन करूंगी। मेरे लिए भारत के लोकतांत्रिक सांस्कृतिक आदर्श और सभी देशवासी हमेशा मेरे ऊर्जा के स्रोत रहेंगे। देवियों और स्वजन, हमारे संवैधानिक संग्राम में, स्वाधीनता संग्राम में एक राष्ट्र के तौर पर भारत की नई यात्रा की रूपरेखा तैयार की है। हमारा स्वाधीनता संग्राम उन संघर्षों और बलिदानों की अविरल धारा है जिसने आज़ाद भारत के लिए कितनी ही आदर्शों और संभावनाओं की सींचा था। पूज्य बापू ने हमें स्वराज, स्वदेशी, स्वच्छता और सत्याग्रह द्वारा भारत के सांस्कृतिक आदर्शों की स्थापना का मार्ग दिखाया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेहरू जी, सरदार पटेल, बाबा साहेब अम्बेडकर, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे अनगिनत स्वाधीनता सेनानियों ने हमें राष्ट्र के स्वाभिमान को सर्वोपरि रखने की शिक्षा दी थी। रानी लक्ष्मीबाई, रानी बेलू निचियार, रानी गाईदिनलू और रानी चेन्नीमा जैसी अनेकों वीरांगनाओं ने राष्ट्र इच्छा और
राष्ट्र निर्माण में नारी शक्ति की भूमिका को नई ऊर्जा दी है। संथाल क्रांति, पाइक क्रांति से लेकर कोल क्रांति और भील क्रांति ने स्वतंत्रोत्तर संग्राम में आदिवासी योगदान को और सशक्त किया। सामाजिक उत्थान एवं देश प्रेम के लिए धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी के बलिदान से हमें प्रेरणा मिली थी। मुझे खुशी है कि आज़ादी की लड़ाई में जनजातीय समुदाय के योगदान को समर्पित अनेक म्यूजियम देश भर में बनवाया जा रहा है। देवियों और स्वजनों, एक संसदीय लोकतंत्र के रूप में 75 वर्ष में भारत ने प्रगति के संकल्प को सहभागिता एवं सर्वसम्मति से आगे बढ़ाया है। विविधताओं से भरे अपने देश में हम अनेक भाषा, धर्म, संप्रदाय, खान पान, रहन सहन, रीति रिवाजों का अपनाते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण में सक्रिय है। आज़ादी के 75वें वर्ष के अवसर पर आया है अमृत काल, भारत के लिए नए संकल्पों का कालखंड है। आज मैं इस नए युग के स्वागत में अपने देश को नई सोच के साथ तत्पर और तैयार देख रही हूँ। भारत और हर क्षेत्र में विकास का नया अध्याय जोड़ रहा है। कोरोना महामारी के वैश्विक संकट का सामना करने में भारत ने जिस तरह का सामर्थ्य दिखाया है, उसने पूरे विश्व में भारत की साख बढ़ाया है। हम हिंदुस्तानियों ने अपने प्रयासों से न सिर्फ इस वैश्विक चुनौती का सामना किया, बल्कि दुनिया के सामने नए मापदंड भी स्थापित की। कुछ दिन पहले भारत ने कोरोना वैक्सीन की 200 करोड़ डोज लगाने का कीर्तिमान बनाया। इस पूरी लड़ाई में भारत के लोगों ने जिस संयम, साहस और सहयोग का परिचय दिया, वो एक समाज के रूप में हमारी बढ़ती हुई शक्ति और संवेदनशीलता का प्रतीक है। भारत ने इन मुश्किल हालात में ना केवल खुद को संभाला, बल्कि दुनिया की मदद भी की। कोरोना महामारी से बने माहौल में आज दुनिया भारत को नए विश्वास से देख रही है। दुनिया की आर्थिक स्थिरता के लिए, सप्लाई चेन की सुगमता के लिए और वैश्विक शांति के लिए दुनिया को भारत से बहुत उम्मीदें हैं। आगामी महीनों में भारत अपनी अध्यक्षता में G20 ग्रुप की मेजबानी भी करने जा रही है। इसमें दुनिया के 20 बड़े देश भारत की अध्यक्षता में वैश्विक विषयों पर मंथन करेंगे। मुझे विश्वास है भारत में होने वाले इस मंथन से जो निष्कर्ष और नीतियां निर्धारित होंगे, उनसे आने वाले दशकों की दिशा तय होगी। देवियों और स्वजनों, दशकों पहले मुझे रायरंगपुर में श्री अरबिंदो इंटीग्रल स्कूल में शिक्षक के रूप में कार्य करने का अवसर मिला था। कुछ ही दिनों के बाद श्री अरबिंदो जी की 150वीं जन्म जयंती मनाई जाएगी। शिक्षा के बारे में श्री अरबिंदो के विचारों ने मुझे निरंतर प्रेरित किया है। जन प्रतिनिधि के रूप में विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए और फिर राज्यपाल के रूप में भी मेरा शिक्षण संस्थानों के साथ सक्रिय जुड़ाव रहा है। मैंने देश के युवाओं के उत्साह और आत्मबल को करीब से देखा है। हम सभी के श्रद्धेय अटल जी कहा करते थे कि देश के युवा जब आगे बढ़ते हैं तो वे सिर्फ अपने ही भाग्य नहीं बनाते, बल्कि देश का भी भाग्य बनाते हैं। आज हम इसे सोच होते देख रहे हैं। वोकल फॉर लोकल से लेकर
डिजिटल इंडिया तक हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा आज का भारत। विश्व के साथ कदम से कदम मिलाकर औद्योगिक क्रांति 4.0 के लिए पूरी तरह भारत तैयार है। रिकॉर्ड संख्या में बन रहे स्टार्टअप्स में नए नए इनोवेशंस में दूर सुदूर क्षेत्रों में डिजिटल टेक्नोलॉजी की स्वीकार्यता में भारत के युवाओं की बड़ी भूमिका है। बीती वर्ष में भारत ने जिस तरह महिला सशक्तिकरण के लिए निर्णय लिए हैं, नीतियां बनाई गई है, इससे भी देश में एक नई शक्ति का संचार हुआ है। मैं चाहती हूँ कि हमारी सभी बहनें व बेटियाँ अधिक से अधिक सशक्त हो तथा वे देश के हर क्षेत्र में अपना योगदान बढ़ाती रहें। मैं अपने देश के युवाओं से कहना चाहती हूँ कि आप न केवल अपने भविष्य का निर्माण कर रहे हैं बल्कि भविष्य के भारत की नींव भी रख रहे हैं। देश के राष्ट्रपति के तौर पर मेरा हमेशा आपको पूरा सहयोग रहेगा। देवियों और सूर्यों, विकास और प्रगतिशीलता का अर्थ निरंतर आगे बढ़ना होता है, लेकिन साथ ही अपने अतीत का ज्ञान भी उतना ही आवश्यक है। आज जो विश्व सस्टेनेबल प्लानेट की बात कर रहे हैं तो उसमें भारत की प्राचीन परंपराओं, हमारी अतीत की सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की भूमिका और बढ़ जाती है। मेरा जन्म तो उस जनजातीय परंपरा से हुआ है जिसने हजारों वर्ष से प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर जीवन को आगे बढ़ाया है। मैंने जंगल और जलाशयों के महत्व को अपने जीवन में महसूस किया है। हम प्रकृति से जरूरी संसाधन लेते हैं और उतनी ही श्रद्धा से प्रकृति से सेवा भी करते हैं। यहाँ संवेदनशीलता का आज वैश्विक अनिवार्यता बन गया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि भारत पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में विश्व का मार्गदर्शक बन रहा है। देवियों और स्वजन, मैंने अपने अब तक के जीवन में जन सेवा में ही जीवन की सार्थकता को अनुभव किया है। श्री जगन्नाथ क्षेत्र के एक प्रख्यात कवि भीम भोई जी की कविता की एक पंक्ति है, मो जीवन पचे नर के पड़ी था जगत उद्धार। अर्थात अपने जीवन के हित और हित से बड़ा जगत कल्याण के लिए कार्य करना होता है। जगत कल्याण की इसी भावना के साथ मैं आप सब के विश्वास पर खरा उतरने के लिए पूरी निष्ठा व लगन से काम करने के लिए सदैव तत्पर रहूंगी। आइए हम सभी एकजुट होकर समर्पित भाव से कर्तव्य पथ पर आगे बढ़े तथा वैभवशाली व आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करें। धन्यवाद। जय हिंद। Honorable President, Srimati Draupadi Murmu ji, respected Sri Ramnath Kovind ji, Prime Minister Sri Narendra Bhai Modi ji, Speaker of Lok Sabha Sri Om Birla ji, Chief Justice of India Sri N.V. Ramana ji, respected parliamentarians, other dignitaries, brothers and sisters, and my dear fellow citizens, Namaskar. Madam President, you have just addressed the members of the Parliament. I wish to read a few paragraphs from the English version of the address and the rest of
rest may be considered as read in view of the time constraint. I express my heartfelt gratitude to all members of Parliament and legislative assemblies for electing me to the highest constitutional post of India. Brothers and sisters, we have to work at a fast pace in this Amrit Kaal to fulfill the expectations of our freedom fighters from the citizens of independent India. In these 25 years, the path to attain the goals of Amrit Kaal will proceed on two tracks, Sabka Prayas or Sabka Kartavya, everyone's efforts and everyone's duty. The new development journey towards the bright future of India has to be undertaken by our collective efforts following the path of duty. We will be observing Kargil Vijay Diwas tomorrow, July 26th. This day is a symbol of both the bravery and the restraint of the Indian armed forces. Today, I extend my best wishes in advance to the armed forces of the country and to all the citizens of India. Brothers and sisters, growth and progress mean continuously marching ahead, but equally important is awareness about one's past. Today, when the world is talking about sustainable planet, the role of India's ancient traditions and sustainable lifestyle becomes more important. I was born in the tribal tradition which has lived in harmony with the nature for thousands of years. I have realized the importance of forests and water bodies in my life. We take necessary resources from nature and serve nature with equal reverence. This sensitivity has become a global imperative today. I'm happy that India is guiding the world in the field of environmental protection. Brothers and sisters, in my life so far, I have realized the meaning of life only through public service. There is a line from the poem of Bhim Bhoi Ji, the famous poet of Sri Jagannath Kshetra. Mo jeevan bacche narke paditao jagata uddar hev. That is, working for the welfare of the world is far greater than one's own interest. With the spirit of welfare of the world, it always be ready to work, all of us, with full devotion and dedication to live up to the trust you all have reposed in me. Let us all unite and move forward on the path of duty with a dedicated spirit to build a glorious and self-reliant India. Thank you. Jai Hind. राष्ट्रपति महोदया, आपकी आज्ञा हो तो समारोह की कार्यवाही समाप्त की जाए।
So 25th of July, yet again going down in Indian history as a significant day. The 10th successive president to have been sworn in today, Madam Draupadi Murmu, was sworn in as the 15th president of India a short while ago. The oath of office was administered to her by Chief Justice of India, N.V. Ramanna. The ceremony has now concluded. In fact, after the oath-taking ceremony, which was followed by a 21-gun salute and the first address of the 15th president, which was then, excerpts of which were also translated in English and read out by Vice President and Rajya Sabha Chairman, Mr. M. Venkaiah Naidu. The ceremony in the Central Hall of Parliament has now concluded. And as you can see, the 14th President of India, Mr. Ramnath Kovind, the new President, Madam President Murmu, along with other dignitaries now leaving for the Rashtrapati Bhavan. तमाम इतिहास जो आज इस शपथ ग्रहण समारोह के साथ हमने बनते देखे, आज़ादी के बाद जन्म लेने वाली पहली राष्ट्रपति देश को मिली है। साथ ही हम देख रहे हैं कि अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन की ओर रवाना होंगी और राष्ट्रपति भवन के फोरकोर्ट में हैंडिंग ओवर सेरेमनी होगी और इसके बाद राष्ट्रपति भवन से रामनाथ कोविंद विदा होंगे। द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति बन गई हैं। संसद भवन से ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। देश में दूसरी बार सर्वोच्च पद पर महिला आसीन हुई है। कई मायनों में आज हमने इतिहास को बनते देखा है और तमाम बड़ी बातें जो आज राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कही हैं, उन्होंने नई भारत की नई तस्वीर का जिक्र किया और कहा कि वो तमाम देशवासियों की जो आशाएं हैं आकांक्षाएं हैं उनका अभिनंदन करती हैं और सबसे बड़ी बात कि एक महत्वपूर्ण कालखंड है जिस दिन उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली है। देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि एक और महत्वपूर्ण पड़ाव जब देश ने आज़ादी के 50 साल पूरे किए उस वक्त उन्होंने अपने राजनीतिक सफ़र की शुरुआत की और आज जब देश अमृत महोत्सव मना रहा है उस वक्त उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली है। Absolutely. And significantly, as the new Commander-in-Chief of the Indian Armed Forces, the President also hailed the contribution, the grit, the valor of the security forces, the Indian Armed Forces, who continue to guard us. And as 26th of July is remarkable in Indian history, we celebrate Kargil Vijay Diwas on this very day. Just a day before that, Madam President Murmu has taken oath as the 15th President. And the President in India is the commander of the Indian Armed Force.
श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने शपथ ले ली है और अब देश की 15वीं राष्ट्रपति शपथ ग्रहण के बाद संसद के केंद्रीय कक्ष से उनका प्रस्थान उनके आधिकारिक निवास राष्ट्रपति भवन की ओर उनका काफिला संसद भवन से प्रस्थान करता हुआ ...25 जुलाई 2022 का दिन इतिहास में दर्ज होता हुआ देश के छठे राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने 25 जुलाई 1977 को शपथ ली थी। उसके बाद हर राष्ट्रपति ने अपना कार्यकाल पूरा किया है और 25 जुलाई को ही शपथ ली है। राष्ट्रपति अंगरक्षक राष्ट्रपति के काफिले के आगे आगे और उनके साथ नई राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू अपने आधिकारिक निवास राष्ट्रपति भवन की ओर ये काफिला विजय चौक से अब रायसीना पहाड़ी की ओर बढ़ता हुआ। Srimati Draupadi Murmu is now the 15th President of the Republic of India. She now sits as the constitutional head of the nation. As the President's bodyguard, escort, the President's carcade, towards Rashtrapati Bhavan. Personnel of the armed forces lined on either side of the path, going up the Raisena Hill, salute and present. It's a special day for the nation, not only because of Srimati Murmu's selection and election as president, a great message for democracy in itself, but also witnessing the graceful, smooth transition of power. The exchanging of positions as seated in the vehicle, the exchanging of positions as seated in the study, all indicative of how power transitions. The seat of power, the North Flock, the South Flock, the seat of governance, Parliament House, all standing silent witness to this special moment. ये समारोह बेहद भव्य और परंपरा से भरा हुआ। इसमें ध्यान से देखें तो ये समझ में आएगा कि किस तरह शपथ ग्रहण से पहले और बाद में जो क्रम होता है पूर्व राष्ट्रपति का और वर्तमान राष्ट्रपति का वो किस प्रकार से बदलता है और यही हमारे इस प्रजातंत्र की विशेषता है जहां हस्तांतरण सर्वोच्च संवैधानिक पद पर जिस प्रकार से होता है वो मिसाल है और पारंपरिक भव्यता के साथ इन कर्तव्यों का निर्वाह किया जाता है। एक नया अध्याय भारत के प्रजातांत्रिक इतिहास में जुड़ता हुआ भारत की 15वीं राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और उनके साथ अब पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद
राष्ट्रपति भवन की ओर अग्रसर हैं। विजय चौक से रायसीना पहाड़ी की ओर दोनों ओर तीनों सेवाओं के पर्सनल तैनात, उन्हें सम्मान देते हुए और सजीले घुड़सवार अंगरक्षक रायसीना पहाड़ी पर मुख्य द्वार जो भव्यता का प्रतीक इस भव्य और आलीशान इमारत राष्ट्रपति भवन का, यहां से काफिला अब इसके मुख्य प्रांगण की ओर। वी कैन सी द इम्पोजिंग डोम, द जयपुर कॉलम एंड द पाथवे लीडिंग अप टू द फोरकोर्ट ऑफ राष्ट्रपति भवन। With high positions comes a higher sense of responsibility. Pa has as its companion, a constant companion, responsibility. The working on the advice of the elected government, the President of India, is the protector of the Constitution. Srimati Murmu, as our new president, will hold in her heart and her hands a responsibility to ensure that the last mile, the last person is connected, interconnected, and belongs to a nation called India, a nation that is progressing. The last person has an equal share in the growth, prosperity and progress of the nation to actually make democracy truly meaningful. बिल्कुल, अपने कार्यकाल के दौरान ऐसे कई क्षण होते हैं, कई अवसर होते हैं जब राष्ट्रपति की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है और राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, जिन्हें सामाजिक जीवन का, जिनका अपना खुद का जीवन सादा और जमीन से उनका जुड़ाव, वो समझती हैं एक साधारण व्यक्ति के दर्द को भी, उसके संघर्ष को भी, उसकी आकांक्षाओं को भी, भविष्य के उनके निर्णयों के लिए उनका यह अनुभव बहुत ही सार्थक और बहुत ही प्रासंगिक होगा। देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर देश के प्रत्येक व्यक्ति के हित के लिए निर्णय लेते हुए उनका अपना निजी अनुभव, जो उनका जीवन है, वो अनुकरणीय है। In fact, Srimati Draupadi Murmu started her political career at the grassroots level as a councillor. And after that, her movement upwards, also as the first woman governor of Jharkhand. She has faced immense challenges. She has had to take many important decisions. But now she will be keeping the nation and the constitution ahead of all her decisions, arriving here at the forecourt of Rashtrapati Bhavan, to her official residence now. पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद का आगमन राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में, राष्ट्रपति श्री द्रौपदी श्रीमती द्रौपदी अंगरक्षक सलामी देगा, राष्ट्र सल्यूट मध्य। Thank you.
TBG Commandant Colonel Anoop Tiwari giving the command. The President of India, Srimati Draupadi Murmu, boarding her vehicle along with former President Sri Ramnath Kovind. ये काफिला नॉर्थ कोर्ट की ओर बढ़ता हुआ जहां से अब राष्ट्रपति और पूर्व राष्ट्रपति कमिटी रूम की तरफ जाएंगे। Here at the North Court, awaiting the arrival of the new president, personnel and staff of Rashtrapati Bhavan. Greeting their new president. राष्ट्रपति भवन स्वागत कर रहा है नए राष्ट्रपति का, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और उनके साथ पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद। The president moves towards the committee room and also her new office and her new residence. राष्ट्रपति भवन के इस भव्य गलियारे पर पूर्व राष्ट्रपतियों के चित्र, कावेरी जो कमिटी रूम है उस ओर प्रस्थान। This magnificent building, sandstone, pink and cream, the Rashtrapati Bhavan has a fabulous history of its own.